Assalamualaikum, dear students. Welcome to Science English Day class. Hope so you will be all right. In the previous lecture, we have studied unit number 3, which is adjectives. ठीक है, आज हमने इसी टॉपिक को कंटिन्यू करना है. पेज नंबर है मेरे पास 14. पेज नंबर 14 ओपन करें. कंपाउंड एडजेक्टिव्स हमारे पास टॉपिक दिए हुए हैं. ठीक है, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं. कंपाउंड एडजेक्टिव्स आर मेड अप ऑफ टू आर मोर वर्ड्स. ठीक है, यानी दो या दो से, जैसे हमने बच्चों कंपाउंड नाउन पढ़ा था. ठीक है, कि दो या दो से ज्यादा जो है, जब नाउन को इकट्ठा करते हैं तो वो कंपाउंड नाउन बन जाता है. इसी तरह से जो कंपाउंड एडजेक्टिव होता है, ये भी इस तरह से बनता है, दो से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा अल्फाज से मिलकर बनता है. जैसे कंपाउंड एडजेक्टिव आर ऑफन जॉइंड बाय अ हाइफन. ठीक है, एक हाइफन से जो है वो हम इसको करते हैं, रिलेट करते हैं. एग्जाम्पल है, आई हैव नेवर नो अ मोर काइंड हार्टेड पर्सन. ठीक है, अब काइंड हार्टेड के दरमियान जो छोटी सी डैश होती है, इसे हम हाइफन कहते हैं. तो यहाँ पे देखें, काइंड हार्टेड आपके पास बुक में इटैलिक राइटिंग में लिखा गया है. ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, नाउन. ठीक है, अगर हम उस तरह से इसको कैटेगराइज करें, ठीक है, तो हमारे पास क्या है, एडजेक्टिव है. नेक्स्ट है, आई विल वियर द बॉटल ग्रीन ड्रेस टुडे. अब इसमें बॉटल ग्रीन जो है, ये हमारे पास इटैलिक राइटिंग में है, ये क्या है, कंपाउंड एडजेक्टिव है. इसी तरह से आगे रूल दिए हुए नेक्स्ट पेज पे, इफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द एडजेक्टिव इज एन एडवर्ब देन देयर इज नो हाइफन बिटवीन द वर्ड्स दैट मेक अप द एडजेक्टिव. ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों क्या वो बता रहे हैं कि अगर आपके पास एडजेक्टिव का जो कंपाउंड एडजेक्टिव दिया हुआ है, ठीक है, उसमें जो फर्स्ट पार्ट है उसका वो एडवर्ब है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि उन वर्ड्स के दरमियान उसको एडजेक्टिव बनाने के लिए कोई हाइफन यूज नहीं करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, आई केम अक्रॉस अ फनीली डांसिंग मंकी. अब इसमें फनीली क्या है हमारे पास, फनीली डांसिंग, फनीली हमारे पास एडवर्ब है. अब देखिए यहाँ पे फनीली डांसिंग के दरमियान कोई हाइफन नहीं है. ठीक है, आई नोटिस द केयरफुली क्लीन किचन इन द हाउस. तो आपने ये चीज माइंड में रखी है कि यहाँ पे एडवर्ब होगा, वहाँ पे उसके साथ जो आगे नेक्स्ट एडजेक्टिव यूज होगा, दोनों के दरमियान कोई हाइफन नहीं आएगा. ठीक है, मैच द कंपाउंड एडजेक्टिव्स विद देयर एप्रोप्रिएट मीनिंग. ठीक है, अब यहाँ पे आपने एप्रोप्रिएट मीनिंग के साथ इसको ज्वाइन करना है. कॉलम ए में हमारे पास एडजेक्टिव है, कॉलम बी में हमारे पास मीनिंग है. ठीक है, अब फर्स्ट देखिए वीक नी. ठीक है, वीक नी मीन, अब यहाँ पे आप इसको ई से टैली करेंगे. ठीक है, ई से इसको लाइन लगा के इसको ज्वाइन करें, शेकी लैकिंग करें. ठीक है, नेक्स्ट है शॉर्ट स्लाइटेड, शॉर्ट स्लाइटेड लैकिंग इमेजिनेशन और फोरसाइट, ऑप्शन एच. ठीक है, सिंगल माइंडेड, ऑप्शन ए, फोकस्ड एंड डिटरमाइंड, एबल बॉडीड, ऑप्शन डी, जी सॉरी जी, ऑप्शन जी, फिजिकली साउंड एंड स्ट्रॉन्ग, हार्ड प्रेस, ऑप्शन बी, अंडर अ लॉट ऑफ स्ट्रेस और स्ट्रेन, थिक स्टेन, अनअफेक्टेड बाय क्रिटिसिज्म, वेल नोन, वाइडली नोन, सेल्फ सीकिंग, केयरिंग ओनली अबाउट पर्सनल गेन, ब्रॉड माइंडेड, टॉलरेंट, नॉन कंजर्वेटिव, एंड हार्ड नोज, रियलिस्टिक एंड डिटरमाइंड, टफ टफ माइंडेड. ठीक है, क्लियर. नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज ए है, फिलिंग द ब्लैंक्स विद द कंपाउंड एडजेक्टिव्स फ्रॉम एक्सरसाइज डी. एक्सरसाइज डी को ही आपने यूज करना है एक्सरसाइज ए में. ठीक है, वी नीड टू कैरी हैवी पार्सल्स टू द कार, वी नीड अ फ्यू डैश पीपल. ठीक है, अब आपने बच्चों जो आपको एडजेक्टिव दिए हुए थे उनकी मीनिंग्स भी आपने पढ़ ली है. अब आपने सेंटेंस के स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करके उसमें करेक्ट ऑप्शन जो है अकॉर्डिंग टू मीनिंग, मीनिंग आपने लास्ट में देखना है. ठीक है, वो आपने पुट करना है. अब इसमें देखिए, वी नीड टू कैरी हैवी पार्सल्स टू द कार, यानी हमने जो है वो अच्छा खासा भारी सामान अपनी कार की तरफ रखना है, कार में रखना है. ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, वी नीड अ फ्यू डैश पीपल. ठीक है, तो फ्यू एबल बॉडी पीपल, जिसका मतलब हमने लिखा था टॉलरेंट, नॉन कंजर्वेटिव. ठीक है, यानी स्ट्रॉन्ग. नेक्स्ट हमारे पास है कंसीडरिंग द एक्सपेंडिचर रिक्वायर्ड टू फिक्स द रोड्स, वी आर हार्ड प्रेस्ड फॉर मनी, वी शुड बी ब्रॉड माइंडेड एंड नॉट लेट प्रेजुडिसेस रूल ओवर रूल आर व्यू ऑफ अदर्स. ठीक है, वन हैज टू बी थिक स्किन टू नॉट टू एम्बैरेस्ड बाय सच क्रिटिसिज्म, शी हैज बिकम अ वेरी वेल नोन आर्टिस्ट एंड हर पेंटिंग्स आर वेरी पॉपुलर, वी नीड टू फिनिश दिस प्रोजेक्ट सो लेट्स डाउन, सो लेट्स गेट डाउन टू विद टू इट विद अ सिंगल माइंडेड एटीट्यूड. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव. देयर आर थ्री डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव एज कैन बी सीन इन द टेबल, रेगुलर एडजेक्टिव, इरेगुलर एडजेक्टिव और एडजेक्टिव विद मोर देन टू सिलेबल. ठीक है,
ये आपने पहले भी बच्चों के लिए पॉजिटिव कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट, क्लियर, क्लियरर, क्लियरेस्ट, प्योर, प्योरर, पोरेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स, वर्स, फॉर, फर्दर, फर्देस्ट, मैनी, मोर, मोस्ट, इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट, कंफ्यूज, मोर कंफ्यूज, मोस्ट कंफ्यूज, ठीक है। अब नेचर्स के रूल देव किए हैं, व्हेन मेकिंग एन अनइक्वल कंपैरिजन वी यूज द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव इज देन, ठीक है। नेगेटिव कंपैरेटिंग कंपैरिजन यूजिंग नॉट ऑफन यूज द पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, व्हेन मेकिंग अ कंपैरिजन एट द सेम लेवल वी यूज द पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, यानी जब से सेम लेवल पे एडजेक्टिव कंपैरिजन होगा तो फिर हम पॉजिटिव डिग्री यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है व्हेन व्हेन वन थिंग अ पर्सन इज सिंगल्ड अबाउट सिंगल आउट इन अ ग्रुप वी यूज द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, ठीक है। एक्सरसाइज एफ पे आए जी, एक्सरसाइज एफ हमारे पास फिलिंग द ब्लैंक्स विद कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म्स ऑफ द एडजेक्टिव गिवन इन द ब्रैकेट्स, हम मे हैव मोर देन वन, ठीक है। अब इसमें हमारे पास क्या है, दे क्लेम दैट द न्यू चेयर्स आर डैश देन द ओल्डर वन, स्टर्डियर, स्टर्डी, स्टर्डियर, फॉर्चुनेट, मोर फॉर्चुनेट, क्लेवर, क्लेवरर, बैड, वर्स, ओल्डर, ओल्ड, ओल्डर, गुड, बेटर, हैप्पी, हैप्पियर, और स्लैश लगा के द हैप्पीएस्ट, ठीक है। हैप्पियर भी हो सकता है और द हैप्पीएस्ट भी हो सकता है। क्राउडेड, मोर क्राउडेड, नाइस, नाइसर, एक्सपेंसिव, मोर एक्सपेंसिव, ब्राइट, ब्राइटर, फैसिनेटिंग, मोर फैसिनेटिंग, फार, फर्दर, फर्देस्ट, क्लियर, क्लियरर, फास्ट, फास्टर, ठीक है। नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स, ठीक है, कि किस तरह से नेक्स्ट जो है वो किस तरह से हमने इसको ऑर्डराइज करना है, ठीक है। अ नाउन कैन बी क्वालिफाइड बाय मोर देन वन एडजेक्टिव इन सच अ केस, एडजेक्टिव्स आर प्लेस्ड इन अ सर्टेन ऑर्डर अकॉर्डिंग टू देयर मीनिंग, यूजुअली वी फॉलो द फॉलोइंग सीक्वेंस, यानी ओपिनियन हो तो फिर परफेक्ट, नाइस, हॉरिबल, ऑर्डिनरी, साइज, लार्ज, बॉस, बिग, लॉन्ग, स्पेशियस, ठीक है। अदर क्वालिटीज, फास्ट, इंपॉर्टेंट, एंग्री, फेमस, एज, हाउ ओल्ड, ओल्ड, एंशियंट, न्यू, रिसेंट, कलर, व्हाइट, ब्लैक, ग्रीन, ब्लू, ओरिजिन, पाकिस्तानी, जापानीज, मलेशियन, मटेरियल, स्टील, आयरन, स्टोन, प्लास्टिक, पेपर, टाइप एंड इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, पॉलिटिकल स्टेटमेंट, आर ट्रेन जर्नल, ठीक है। पर्पज, वर्क फॉर स्पोर्ट्स कार, बाथ टॉवल, फेस वॉश, रेस्ट रूम, पिक्चर फ्रेम, ठीक है। अब नेक्स्ट बच्चे एक्सरसाइज हमारे पास दी हुई है, एक्सरसाइज जी है, रीड राइट द सेंटेंसेस विद द एडजेक्टिव गिवन इन द ब्रैकेट्स इन द मोस्ट सुटेबल ऑर्डर, वी विजिट आवर डैश गुड्स शोरूम रिसेंटली, न्यू, स्पेशियस, नाइस, एंड स्पोर्ट। इसमें बच्चों आपने क्या करना है कि आपने इसको अरेंज करना है जो आपके पास नाउन दिए हुए हैं, ठीक है। क्या आ जाएगा, नाइस, स्पेशियस, न्यू, स्पोर्ट्स, आप चाहें तो इसको नंबरिंग कर लें, ठीक है, 1, 2, 3 वर्ड के ऊपर जो आपको ब्रैकेट में दिए हुए हैं, और बाद में आपने इसको अपनी नोटबुक पे राइट डाउन करना है, ठीक है। अगर आपने पहले से राइट डाउन किया हुआ है तो उसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, जिन्होंने नहीं लिखा हुआ वो इसको लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, लॉन्ग, पीसफुल, स्मूथ ट्रेन, तो इसको अरेंज करेंगे तो क्या होगा, पीसफुल, स्मूथ, लॉन्ग ट्रेन। नेक्स्ट ब्रैकेट में है ओल्ड वाइट मार्बल, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, ओल्ड वाइट मार्बल, टॉल कोकोनट सिलेंडर फॉर्म, सिलेंडर, टॉल कोकोनट फॉर्म, बाथ, बेड, ब्लू, न्यू, बेड, न्यू, ब्लू, बाथ, शॉर्टर, लेदर, ओल्ड, टाइट फिटिंग, टाइट फिटिंग, शॉर्ट, ओल्डर, लेदर, पर्शियन, एलिजेंट, वुलन, एक्सपेंसिव, एलिजेंट, एक्सपेंसिव, पर्शियन, वुलन, ठीक है, एलिजेंट, एक्सपेंसिव, पर्शियन, वुलन। नेक्स्ट है क्रीमी, स्वीट, कोल्ड, वेनिला, अरेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा, स्वीट, क्रीमी, कोल्ड, वेनिला, ठीक है, इसको एज इट इज आप लिखेंगे। लेट्स सी गाइस, हमारे पास प्रीवियस यूनिट की तरह, ठीक है, ये भी स्किप है क्योंकि ऑलरेडी हम इसको पूरे यूनिट में कर चुके हैं। ये सब बच्चों आपका आज का लेक्चर एक्सरसाइज ये जो है आपने ये कॉपी पे अटेम्प्ट करनी है, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट जो है वो टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।